हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र राज जम में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन का। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का नाम मिल जाता है देखने के लिए, सिग्नेटाइज। और यहाँ पे अगर बात कर ली इसके मॉडल की तो यहाँ पे देख सकते हैं SZ1061 इसका मॉडल है। और यहाँ पे अगर बात कर ली इसका बैटरी बैकअप की तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, वायरलेस स्पॉट नेकबैंड। और यहाँ पर देख सकते हैं हाई डेफिनेशन साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाता है। और सो यहाँ पे देख सकते हैं अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है 5.0 का। बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है इनसे 300 mAh की। और टॉकिंग टाइम मैक्स मिल जाता है इसमें 20 घंटे का। और स्पीकर डायमीटर्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 mm का डायमीटर्स मिल जाता है इसमें। और स्टैंड बाई टाइम मैक्स इसमें देख सकते हैं 580 Hz मिल जाता है। और यहाँ पर अगर बात कर ले इफेक्टिव डिस्टेंस की तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 मीटर का इफेक्टिव डिस्टेंस मिल जाता है। सो चलिए बिना देर के हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पैक किया गया है इसको। और यहाँ पे देख सकते हैं पैक किया गया इसको प्लास्टिक में। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही है क्योंकि ये प्लास्टिक में पैक किया गया है। एक नॉर्मली प्लास्टिक में पैक करके इसको पैक किया गया था अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से इसके साथ में एक मिनी डाटा केबल मिल जाता है जो देख सकते हैं आप। और ये बता दूँ आपको माइक्रो मिनी डाटा केबल है। सो चलिए इसे साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नेकबैंड कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है इसमें। सो अगर बात कर ले इसके बेल्ट की तो यहाँ पर देख सकते हैं बेल्ट काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी बेस्ट लग रहा है। यहाँ में क्वालिटी भी बहुत बेस्ट मिल जाती है इसमें। और यहाँ पे अगर बात कर ले इसके बॉडी की तो यहाँ पे देख सकते हैं फुल प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है इसमें। इसमें पूरा प्लास्टिक बॉडी मिल जाता है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 बटन्स मिल जाते हैं देखने के लिए, माइनस और प्लस। ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर जो बटन मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं बीच में जो बटन मिल जाता है इससे पावर ऑफ ऑन होता है और कॉल भी रिसीव हो सकता है इससे। और ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच वाले बटन से किया जा सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये चालू करके मैं दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर मिल जाता है देखने के लिए चालू होने के बाद। यहाँ पर लाइट मिल जाता है देखने को। और यहाँ पर अगर बात कर लो इसके चार्जिंग की तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे अगर ये देख सकते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से इसको जितना चाहे आप यूज कर सकते हैं, चाहे जितना यूज कर सकते हैं इसको, ऐसा अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे अगर बात कर ले इसके साउंड क्वालिटी की तो बहुत ही बेस्ट साउंड क्वालिटी मिल जाती है इसमें। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर बात कर ले इसके ईयरबड्स की तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और ये मैग्नेटिक मिल जाता है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक है ये। और यहाँ पे अगर बात कर ले इसके एयर टिप्स की तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ एयर टिप्स मिल जाते हैं और बहुत बेस्ट लग रहा है ये। आसानी से 10-12 घंटे यूज कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत बेस्ट मिल जाती है इसमें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।